नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट हॉट सीट बन चुकी है। यहां एसपी और बीजेपी दोनों ही साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेला है तो बीजेपी भी टक्कर दे रही है। उधर बीएसपी ने दलित ब्राह्मण दांव से मुकाबले को पेचीदा बना दिया है। क्या है सीसामऊ का सियासी समीकरण, आज उपचुनाव का अखाड़ा में देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 विधानसभा सीटों में सबसे दिलचस्प लड़ाई सीसामऊ सीट पर दिख रही है। ये सीट न सिर्फ सियासी टक्कर के लिए सुर्खियों में है, बल्कि यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी हाल ही में मंदिर में जलाभिषेक कर चर्चा में रह चुकी हैं। तमाम बहस के बीच अगर सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ एसपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 2022 में ये सीट एसपी के इरफान सोलंकी ने बड़े मार्जिन के साथ जीती थी। सजा की वजह से इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हुई तो अब उपचुनाव में एसपी ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही मतदाताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, और मैं खड़ा हूँ इस समय सीसामऊ मुख्य बाजार में। इस विधानसभा से लगातार 5 बार समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। इस बार सपा की नसीम सोलंकी से भाजपा के सुरेश अवस्थी की सीधी टक्कर है। सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेश अवस्थी, समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी और बीएसपी ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीत रहा है, अब ये मान के चलिए ऐतिहासिक मतों से जीत रहा है, और हमारी तैयारियां पूर्ण हो गई। हम सब लोग अब अपने रिविजन करने वाले हैं, समीक्षा करके हमारे पार्टी के जो वरिष्ठतम श्रेणी के लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं वो एक एक बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, और जहां पर मानो कमी बेसी होगी उसके पूरा करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह फिर से करेंगे, फिर से हम लोग मेहनत करेंगे और उसको जो है फतेह करना हम लोगों को फिर से, क्योंकि सीट तो जीती हुई है। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो ये जनता ने खुद ही उनको चुन के भेजा था अपने विधायक को, और जो है बहुत प्यार करती है विधायक जी से जनता कानपुर ये सीसामऊ के खास तौर पे। तो बस हम लोगों को इसी भरोसे आज वापस मेरी हिम्मत आई कि हाँ चुनाव लड़ूंगी और इंशाल्लाह जीतूंगी। सीसामऊ सीट के कास्ट फैक्टर और वोटिंग गणित की बात करें तो यहाँ कुल 270,000 वोटर हैं। इनमें 110,000 मुस्लिम वोटर हैं तो ब्राह्मणों की संख्या 60,000 है। इतने ही दलित यानी 60,000 दलित वोटर भी निर्णायक स्थिति में हैं। बीएसपी ने दलित और ब्राह्मण वोटर्स पर दांव चला है तो ऐसे में समीकरण दिलचस्प हो गया है। हम इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर तो कई बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। जो मौजूदा विधायक थे जो इस समय पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, वो विधायक रहे, उनके फादर विधायक रहे हाजी मुश्ताक सोलंकी। अब उनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही है नसीम सोलंकी। तो अगर आप कागजों में देखेंगे तो 45% मुस्लिम वोट है वहाँ पर अल्पसंख्यकों का, तो वो बड़ा मायने रखता है पूरे चुनाव में। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सपा का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये उपचुनाव हमेशा से हिस्ट्री रही है, ये सरकारी चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी इसमें बहुत काम करती है। उपचुनाव में वैसे तो 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उधर बीएसपी ने दलित ब्राह्मण वोटों को सहेजने के लिए ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। अगर बीएसपी का कार्ड कारगर साबित हुआ तो यहाँ बीजेपी और एसपी दोनों ही मुश्किल में होंगे। हालांकि एसपी यहाँ अच्छी खासी मजबूत मानी जा रही है। नसीम सोलंकी के भी प्रचार अभियान ठीक ठाक चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो बिल्कुल 1-to-1 दिख रही है, यानी गठबंधन प्रत्याशी और जो इरफान सोलंकी एमएलए थे वहाँ के, उनकी पत्नी, और ये सुरेश अवस्थी भाजपा के, तो ये सीधा सीधा नेक टू नेक लड़ाई दिख रही है। और पूरा फोकस जो इस समय ये है कि दलित वोटों पर दोनों ही पार्टियों का ज़्यादा फोकस है, उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट लगभग 45% के आसपास।
सीसामऊ सीट उपचुनाव की हॉट सीट्स में शुमार है। ऐसे में यहां की लड़ाई भी दिलचस्प है। चुनावी नतीजों में किसे जनता का साथ मिलेगा, ये तो रिजल्ट के दिन ही खुलासा होगा। उधर सीसामऊ की जनता के मन में उपचुनाव को लेकर क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ के कुछ जागरूक मतदाता हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या है अब चुनाव के हालात। जी क्या हालात हैं अब इस समय, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? देखिए आप हमसे पूछ रहे हैं और हमारा सवाल आपसे है कि आप मीडिया कर्मी हैं, आप हम लोग तो एक ही जगह रहते हैं, आप तो ये माइक और अपना यंत्र लिए जगह जगह घूम रहे हैं। हमसे ज्यादा तो माहौल को आप देख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे। अब की बार जनता ने बदलने का मन बना लिया है। आप पान की दुकान पे खड़े हो जाइए, आप चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, अब की इधर से जवाब ये है कि हर बार गोदी में ले लेके हम लोग उधर से जिताते रहे हैं, अब की सर में बैठाल के वो इधर से जिताएं, तब भाई भाई का मुद्दा जो है, भाई भाई का जो नारा है वो कारगर होगा। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करता हूँ, जो इरफान सोलंकी थे यहाँ पे, उनका कार्यकाल कैसा रहा जो विधायक के तौर पर? अभी तक तो देखा जाए तो उनका कार्यकाल में हमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन अब जैसे समय का परिवर्तन आया है उससे ये महसूस हो रहा है कि अब की ये उपचुनाव भाजपा की झोली में जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नारे चल रहे हैं कटेंगे और बटेंगे, तो अब हम लोगों ने यह है कि हम जब बटेंगे ही नहीं तो कटेंगे कैसे, ये मुद्दा हमारा है और अपनी भाजपा की सीट है ये। चुनाव में क्या मुद्दे रह सकते हैं, मुद्दे क्या है इस चुनाव के? मुद्दे यहाँ का विकास है, यहाँ पे आप रोडे देख लीजिए, आप यहाँ के प्राथमिक विद्यालय देख लीजिए, इस इलाके के यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई आधुनिक विद्यालय नहीं है। जो आधुनिक तकनीक से विद्यालय हो, आप बगल में एक विद्यालय आप वहाँ जाकर के देखिए, बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैनुअली पढ़ाई कर रहे हैं, ना वहाँ पे कंप्यूटर है, ना वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिवाइस है जिससे बच्चे अपनी आधुनिक पढ़ाई कर सकें। आज भी वो पिछले 50 साल वाले उस पर पैटर्न पे जा रहे हैं। ने बनखंडेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, इससे हिंदू मतदाताओं में क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? उसमें उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने सोसेबाजी की है, स्टंटबाजी सिर्फ है, राजनीति स्टंटबाजी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दिखाने के लिए किया गया है, सिर्फ वहाँ पे भावना जागृत करने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं मिले उनको। मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना असर आप देखते हैं? योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उससे मतदाता बहुत प्रभावित है। गुंडेबाजी पे बहुत हद तक लगाम लगाई है उन्होंने, और यहाँ पे जो आपसी भाईचारे की बात होती है उसमें हम लोग को हमेशा चैलेंज फेस करना पड़ता था, तो उस पर भी बहुत लगाम लगाई है उन्होंने। और बात करते हैं कुछ और खबरों की। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा है कि संतों के कार्य में बाधा ना आए, इसलिए संघ का कार्य है कि द्वार पर डंडा लेकर संतों की सेवा में तत्पर रहें। वर्तमान में कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है, सत्य का समय आता है तो वो सर चढ़कर बोलता है। साथ ही भागवत ने कहा कि हमें शास्त्रों की जरूरत है, संतों की रक्षा करें। वहीं राम मंदिर पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि अयोध्या सबकी है, राम मंदिर सनातन का है। इसलिए सनातन धर्म को प्रवर्तित रखने के लिए संतों के उपदेश कथाएं जब चलती है तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोगों का। तो अंदर कथा क्या चल रही है इसका हमको बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, इतना हम जानते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि संत और सनातन पर संघ अपनी रोटी सेक रहा है। देखिए लोकतंत्र में अगर कोई संगठन काम कर रहा है और वो लाठी डंडे की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है, डेमोक्रेटिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। अगर सरगना ये कहेगा कि हम लाठी डंडे से समस्या का हल करेंगे, इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे रहा है कि आप अराजकता फैलाइए। दूसरी बात, इस देश में गांधी से बड़ा तो कोई संत नहीं हुआ, तो संत की
हत्या करने वाले लोग अगर संत की बात करेंगे तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, लेकिन ये एक थ्रेट भी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और अगर सरकार कानून व्यवस्था में यकीन करती है। उन्नाव में सनातन यात्रा में शामिल हुए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक बार फिर से सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि अगर देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड से ही धर्म का रक्षण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में गजवा नहीं सिर्फ गजवाए हिंद की बात होगी। तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे, और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे, और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाए। गजबा हिंद की बातें क्यों हो सकती है इस देश में? गजबा हिंद की नहीं, अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करें भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार चल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी फोटो लगी है। पोस्टर पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। इसके अलावा कुछ और पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। एक पोस्टर में लिखा है कि गंगा जमुनी तहजीब को ना ही बटने देंगे और ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। इन पोस्टर्स को सीएम योगी के उस बयान के जवाब में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर लगातार घमासान मचा हुआ है, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार पोस्टर्स के जरिए दिया गया है। एक बार फिर से सपा कार्यालय के बाहर कुछ नए पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त सपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप दो पोस्टर्स देख पाएंगे, जिनमें पहला जो पोस्टर लगा है इसमें लिखा है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके ठीक बगल में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसी तरह से पहले भी कई सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं सपा कार्यालय के बाहर। आप इस रोड पर देखेंगे तो ये रोड इसी तरह के नारों से पटी पड़ी है। जो तमाम पोस्टर्स लगे हैं उनमें यही संदेश दिया जा रहा है, जिनमें बटेंगे तो कटेंगे का जवाब दिया जा रहा है। गौरतलब है कि उपचुनाव बेहद करीब है, ऐसे में अपनी राजनीति चमकाने का एक बेहतरीन मौका है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स के जरिए लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिन दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। साल 1966 में गो रक्षा आंदोलन में शहीद हुए गो भक्तों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को पुष्पांजलि दी गई। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, दुष्यंत गौतम और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1966 की घटना को देश भूल नहीं पाया है, सनातनियों के प्रति कांग्रेस की दूषित मानसिकता छिपी नहीं है। इतिहास की वो चेतावनी है जो पूरे देश के लिए कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई उन्होंने सनातन के खिलाफ काम किया है, वो हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहे। और जैसे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन उससे पहले 1966 में 7 नवंबर को इंसानियत का गला घोटने का काम भी किया, बर्बरता के साथ गोलियां चलाने के बाद का काम जैसे जनरल डायर ने किया था, वैसे कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार ने हमारे हिंदू गोरक्षकों के खिलाफ गोलियां चलाने का काम हुआ। क्या कसूर था उनका? अरे इंदिरा गांधी जी तो अपने वायदों से मुकर गई थी, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि गो हत्या पर वो रोक लगाएंगी, लेकिन नहीं लगाई। अपने वायदे से मुकर जाना, गोरक्षकों को, संतों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करना,
और बेरहमी के साथ उनके ऊपर फिर गोलियां चलाने का काम करवाना, ये हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेस की है, ये नेहरू गांधी परिवार की है, देश के सामने समस्या है। झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, वहां डेमोग्राफी ने तेजी के साथ बदली है कि जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा साथियों, एक है तो सेफ है, और ये देश के बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जातियों में मत बटिए, जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें ना जाति के नाम पर बटना है, ना भाषा के नाम पे बटना है, ना क्षेत्र के नाम पे बटना है, हमें तो एकजुट रहकर अपने भारत को आगे बढ़ाना है और नंबर वन देश बनाना है। साथियों, 1947 से जो जख कांग्रेस ने देश को दिए वो आज तक भरे नहीं। इतिहास और वर्तमान ये गवाह ही है कि जब भी जाति और भाषा के नाम पर हम बटे हैं तो कटे हैं, और बड़ी निर्ममता के साथ हिंदू कटा है। हिंदू कटा है अपने व्यापार से, हिंदू कटा है अपने मकान से, हिंदू कटा है अपने आप से, अपने आज से, हिंदू कटा है अपने समाज से, हिंदू कटा है अपने स्वाभिमान से, हिंदू कटा है अपने आस्था के स्वाभिमान से, हिंदू कटा है अपनी बहन बेटियों की आबरू से, हिंदू कटा है अपने धर्म के नाम से। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम बटे बिना, हम कटे बिना, हम एकजुट होकर आगे बढ़े और आपकी श्रद्धांजलि बढ़ाए। यही एक संदेश है कि देश के टुकड़े भी नहीं होने देंगे, देश को कटने भी नहीं देंगे, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पर, ना संप्रदाय के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें थाने के गेट पर एसपी प्रत्याशी पुलिस से अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाजी रिजवान ने बिना नाम लिए बीजेपी प्रत्याशी और पुलिस पर आरोप लगाए। हमें तो बात करनी ना, तो आर या पार करनी है इनमें, और या फिर सर्टिफिकेट दे दो तो बना के दे दो, ब्लैक बना दिया। ना, वो चुनाव नहीं रह गया, लोकतंत्र का बिल्कुल गलत वोटा जा रहा है, पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ पुलिस के बल पर हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, डाल दो जेल में, तैयार है, जेल में डाल दो, हम तैयार हैं हर तरह से, सबको जेल में डाल दो, गाड़ी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को, हमने को रोड छोड़ दीजिए, रोड हट गया, रोड से अलग हट जाओ भाई, रोड हट जाइए, हाँ हट रहा है।